सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक मिश्र, आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू प्रसाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बताने वाला हूं कि भाई बाय नाउ का बटन कैसे ऐड होता है वो कॉमर्स के अंदर एक प्लगइन की मदद से। दोस्तों इस तरह का लेआउट आ रहा था हमारे पास, हमें यहाँ पे बाय नाउ चाहिए, ऐड टू कार्ट चाहिए, इस तरह के बटन चाहिए होते हैं। तो सिंपली हमें डायनेमिक चाहिए होता है, तुम्हारा लेआउट ख़राब ना हो, ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें काम करना होता है। मेन चीज़ होती है फंक्शनैलिटी ख़राब ना हो जब कस्टम कोड यूज़ कर रहे हैं। मैंने अभी इसके अंदर ये चीज़ चेक करी है कि ये प्लगइन बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए तो लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो इसको मैं डीएक्टिवेट कर दूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ, आराम से समझा सकूँ अच्छे तरीके से। मैंने कहा भाई ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू करने के बाद प्लगइन का नाम है डब्ल्यू पी सी बाय नाउ बटन फॉर वू कॉमर्स, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टेंशन नहीं लें उसकी। इसको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद इसकी सेटिंग्स में आना है एज यूजुअल डब्ल्यू पी क्लेवर के अंदर। यहाँ पे सही है, मैं बाय नाउ की सेटिंग्स पे आऊँगा, बाय नाउ बटन की सेटिंग पे, ये दूसरे प्लगइन की सेटिंग है, ठीक है जी, कंपनी एक ही है। अब देखते हैं भाई डिफॉल्ट अब क्या सेटिंग्स आ रही हैं इसकी बाय नाउ के पे एड टू कार्ट के ग्रिड के ऊपर, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह आ रहा है, बटन थोड़े बिट डिस्की आ रहा है इसलिए दोनों चिपके हुए हैं, तो खैर इसका जो इशू नहीं है। मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो क्या करता है ये देखते हैं हम। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जाएगा डायरेक्ट चेकआउट के पेज पे, ठीक है जी। चेकआउट के पेज पे ऑर्डर पे करके देख लेते हैं भाई प्लेस हम। ये ऑर्डर भी हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं थोड़ी सेटिंग्स चेंज करके देखते हैं इसमें। मैं कह रहा हूँ यार मुझे ऐड टू कार्ट का बटन नहीं चाहिए, मैंने इसको हाइड कर दिया, सही है, और इसको रिफ्रेश करा मैंने। अब देखते हैं और बस क्या सीन है। ये बाय नाउ का बटन हमारे पास ऐड टू कार्ट का गायब हो गया, ठीक है। ये फंक्शनलिटी हमारा बेहतरीन काम कर रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन का जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। तो ये सीन बड़ा वीआईपी हो गया दोस्तों, हमें यहाँ पे बाय नाउ यहाँ से भी जा सकते हैं। ऐड टू कार्ट मैंने टू किया और इसकी प्राइस थी $15, तो मैंने बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, इसको 30 होना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों बेहतरीन है, 30 हो गया इसकी प्राइस। अब हम क्या करते हैं ऐड टू कार्ट का इनेबल कर देते बटन, सही है, ऐड टू कार्ट का बटन मैं इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर रहा हूँ। और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके जाना है, देखते हैं दोनों बटन आ रहे हैं जी, दोनों आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ओके जी बेहतरीन है। अब आप चाह रहे हैं और ये बता रहा है कि भाई आफ्टर एड टू कार्ड यहाँ पे आप ये शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं कहाँ कहाँ, ठीक है, और बटन ऑन सिंगल पेज ये वाला शॉर्ट कोड यूज़ करेंगे, नहीं प्रोडक्ट डिटेल पेज बाय नाउ का पैरामीटर। मैंने कहा भाई बाय दिस प्रोडक्ट, मैसेज भी चेंज कर सकते हैं आप, सही है। और दूसरा ये कस्टम चेकआउट यानी कार्ट कस्टम पेज, मैंने कहा भाई कार्ट के पेज पे ले जा, ठीक है, ऐड टू कार्ट बना दो इसको, ठीक है बेहतरीन। तो मैंने इसको ऐड पेज पे आया, मैं होम पेज पे रिफ्रेश किया, अब ये जो बटन बाय नाउ का चेकआउट पे जा रहा था, अब यही बटन हमारे पास जाएगा कार्ट के पेज पे, कैसा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।